बड़ा विचित्र है। पति देव थके हारे घर से आए तो आते ही पानी मांगा, जब तक उसकी पत्नी पानी लेने गई और लेट गया, उसको नींद आ गई, वो सो गया। पत्नी सोचती है, अरे ये तो सो गए, अब क्या करूं, तो बड़े प्यासे थे और जगाना उचित नहीं है, नींद खराब हो जाएगी। अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, इंतजार में पूरी रात निकल गई। सुबह पति की आंख खुली, देखा पत्नी पानी का गिलास लेके खड़ी। अरे ये क्या, तू कब से खड़ी है? उसने मुस्कुरा के कहा, अरे मुझे पता ही नहीं चला रात कैसे कट गई, सोचा अब जागोगे, अब जागोगे, उठाना अच्छा नहीं समझा मैंने। उसने अपने मित्रों से कहा कि जिसके साथ इतने साल हो गए मुझे, आज उसके मन को समझ पाया, उसके धैर्य को समझ पाया, उसकी प्रीत को समझ पाया, उसके नेह की खुशबू ने आज मेरे अंतर मन को भर दिया। चर्चा फैल गई, सच्चाई का फूल था, उसकी खुशबू हवाओं के कंधों पे सवार होकर दिशाओं में फैल गई। दुनिया बातें करती है उसकी। पता चला राजा को उस क्षेत्र के, और वो चला आया, बोले देवी ऐसा धैर्य, ऐसी प्रीत, ऐसा समर्पण, तेरे चरणों में पुष्प अर्पित करने आया हूं। ये घटना घट गई, ये प्रायोजित नहीं थी, ये आयोजित नहीं थी, ये सहज प्रीत का पुष्प था, उसकी खुशबू दिशाओं में फैल गई। पड़ोस की स्त्री को बहुत तकलीफ हुई, वो अपने पति से बोली, सुनो जी ये तो बन गई देवी, राजा आ गया पूजने, अब मैं भी दिखाऊंगी देवी बनकर, कल थके मांदे घर मत आना, ठीक ठाक घर मत आना, थके मांदे ही घर आना, आते ही मुझसे पानी मांगना, और जब तक पानी लेके आऊं जागे मत रहना, सो जाना, और फिर रात भर मैं पानी लेके रहूंगी, सुबह आप उठ के कहना कि अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। फिर मेरी चर्चा मित्रों से भी करना, दुनिया को बताना मेरा प्रेम। बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर आता, थका हारा ही घर आया, आते ही पानी मांगा, जब तक वो पानी लेके आई नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आंख मूंद के लेट गया। नाटक करने के चक्कर में आज भूखा ही सोना पड़ा, नींद तो आनी थी आ गई, अंधेरा घना हो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, चुप्पी सद गई, लोग नींद के आगोश में खो गए, और ये पानी लेके खड़ी है, सोचती है अरे ये रात भर का ड्रामा कौन करे, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास। और बगल की चार पे भी सो गई, और जैसे ही पति की आंख खुली तो देखा खुर्राटे भर रही है। थोड़ी देर इंतजार किया, फिर रहा नहीं गया, मारा उसको पैर, वो भड़बड़ा के उठी, पानी का गिलास लेके खड़ी हो गई। ये टुकुर टुकुर मुंह की ओर देख रहा है बेचारा, क्या बोले, पत्नी का पारा स्टैंडर्ड पे चढ़ गया। बोली मैंने कहा था ना मेरी तारीफ करना, भूल गए ना, तुम तो जन्म जात के भुलक्कड़ हो, पर मेरे प्यार की, मेरे समर्पण की बातें मित्रों से कह देना जरूर। बेचारा दिन भर दुनिया को अपनी पत्नी के समर्पण की बातें बताता रहा, चर्चा फैली नहीं, राजा उसको देवी का खिताब देने आया नहीं, और ये इतनी विचित्र थी राजा के सम्मुख पहुंच गई। बोले तू तो पक्षपाती राजा है, मेरी पड़ोसन को देवी मान के पूजने आ गया, अरे मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो राजा मुस्कुराए कि अरे पगली कैसी बातें कर रही हो, तुम नहीं जानती हो हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसी शक्ल रख सकते हैं पर वो खुशबू कहाँ से लाएंगे। इसलिए जीवन जितना सत्य पर आधारित होता है उतनी ही उसकी आभा सुरभि सौरभ और खुशबू पाखंड और आडंबर हमें अंदर से तोड़ देते हैं। क्या हमें भगवान की जरूरत है? नहीं, हमें तो भगवान से मिलने वाली सुविधाओं की जरूरत है। भगवान किसको चाहिए? और सत्संगों में भगवान नहीं मिलते देवियों, सत्संग में ईश्वर के प्रति प्यास पैदा हो जाए तो सत्संग में आना सार्थक हो जाता है। अभी तो हम ओस की बूंदों के प्यासे हैं,
अभी तो जग के पनघट के ओस के बूंदों के जिसके हृदय में प्रेम पूर्ण भाव होगा, प्रभु के नाम का प्रेम होगा, तो वाणी से वही आएगा, क्योंकि जो दिल में है वही बाहर, जो दिल की है वो बाहर आती है ना। क्यों मित्र तुम अभी आए, कैसे आ गए, समाचार नहीं दिया, पहले बता देना चाहिए था ना, मैं आज का दिन खाली रखता। उसने कहा कि मेरा तो अचानक कार्यक्रम बन गया, तो मैं तो अभी ससुराल जा रहा हूं, अब मैं क्या करूं, ऐसा करो मेरे साथ ही मेरी ससुराल चलो। उसने कहा तेरी ससुराल जाने के लिए मैं तैयारी करके नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहनो। ऐसा नया जोड़ा निकाल के दे दिया मित्र को, मित्र ने कपड़े पहन लिए, और कपड़े पहन के मित्र ऐसा जच रहा था, लग रहा था ये अपनी ससुराल जा रहा है। वहां पहुंचे, ससुराल वालों को परिचित, मेरे मित्र हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुपात्र हैं, बड़े उद्यमी हैं, भारी भारी बिजनेस है इनका, और हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, आए थे, मैंने कहा चलो मेरे साथ ससुराल चलते हैं, मेरे कहने पर चले आए। बाकी इन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना वो मेरे हैं। मित्र ने कहा यार क्या कर रहा है तू, अरे कपड़ों की बात करने की क्या जरूरत है। उसने कहा भैया जब से तूने मेरे कपड़े पहने हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे अंदर कपड़े कपड़े कपड़े, तू तेरी पर्सनैलिटी जोरदार है भैया, कपड़े पहन के तू और जच रहा है। माफ कर दो, सावधान रहूंगा, अब नहीं कपड़ों की बात करूंगा। पड़ोस में निमंत्रण था भोजन का, दोनों वहां गए, परिचय दिया, मेरे मित्र हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा लंबा चौड़ा काम धाम है, बड़ी पूछ है इनकी, बाकी कपड़े इन्होंने अपने ही पहने हैं। मित्र ने कहा पगला गया तू, अरे सारी दुनिया अपने कपड़े पहनती है, कपड़ों की बात करने की क्या जरूरत है। वो कहता है भैया मैं क्या करूं, मैं बहुत रोकता हूं लेकिन अंदर कपड़े कपड़े कपड़े, तो मैं बहुत परेशान हूं, मैं खुद से परेशान हूं, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, अब नहीं होगा, अब नहीं चूकूंगा। और दूसरे घर गए, चाय पानी पीना था, पूरा परिचय दिया अपने मित्र का, कितने सुपात्र हैं, कितने प्रतिष्ठित हैं, हमारी कितनी पुरानी मित्रता है, लेकिन मैं सब बातें बता दूंगा पर कपड़ों के बारे में मुझसे मत पूछिएगा। कपड़ों ने पीछा नहीं छोड़ा, जो दिल की होती है लव पे आई जाती है, इसलिए प्रीत भी दाबे दुबे रहती नहीं, दाबे दुबे ना रहे कस्तूरी की बास, प्याज खाओगे तो बदबू मारोगे, और जो हृदय के अंदर बैठा है वो बाहर आएगा ही, तो हृदय में क्या है।